नाउ देर आर सम अदर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एज वेल, लाइक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर इज देयर एंड रोम्बस इज देयर. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स इफ वी टॉक अबाउट देम. रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का होता है जिसके अपोजिट साइड, जिसकी ऑल साइड्स आर 90 डिग्री. ओके, जो डायगनल्स होती है, अब इसको अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी एंड यहां पर अगर मैं नाम दे दूं ओ, चारों साइड्स 90 डिग्री होती है. मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मतलब कि ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. ओके, ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ए बी विल बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी. अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ रेक्टेंगल आर सेम. अब ये तीन चीजें सेम होती है स्क्वायर के अंदर. ओके, अगर मैं कोई स्क्वायर ले लू, ओके, तो इसको मैं नाम दू ए बी सी एंड डी. ओके, अगेन ये सारी क्वालिटीज स्क्वायर में भी सेम ही होती है. ओके, ये तीनों तो दे आर सेम. रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, वेराज स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है. नाउ देयर इज वन मोर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रोम्बस. नाउ व्हाट इज अ रोम्बस? अ रोम्बस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम. नाउ व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? वी हैव ऑलरेडी सीन इट. पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. ओके, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी 90 डिग्री, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी राइट एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है उसकी साइड का, बट वो हमेशा पैरेलल होती है. ओके, रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. ओके, सो ए बी सी एंड डी, दिस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. मतलब कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी विल बी इक्वल टू डी ए. ओके, द डायगनल्स ऑफ रोम्बस ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब कि इसमें भी AO will be equal to OC will be equal to half of AC and DO will be equal to OB will be equal to half of DB. ओके, अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा सेम सेम होती है, या congruent जिसको हम बोल सकते हैं. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी. ओके, सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट वी शुड कीप इन माइंड बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस और सॉरी बिफोर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द फिगर्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली टू प्रैक्टिस सेट 8.2 एंड सी किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एबीसीडी सच दैट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. मुझको सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी दो साइड्स मुझको पता है. दो साइड्स पता है मतलब कि बाकी दो अपोजिट साइड्स तो ऑब्वियसली सेम होने वाली है. रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. रफ फिगर कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इसको ए बी नाम दे दूं, ए बी, तो ये हो जाएगा सी एंड डी. ए बी मुझको पता है 6 है, बी सी कितना है 4.5. तो अब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा अगर एक्चुअल वाला, तो मैं अगर बेस ड्रॉ करूं, ये है ए ये है बी और ए बी की लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जिसको हम ए बी नाम देते हैं. अब यहां से 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए. ओके, क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सॉरी रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. अब ये भी 90 डिग्री के ऊपर राइट एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए. ओके, अब ये मैंने 6 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ किया, बी सी की लेंथ कितनी है 4.5. सो 4.5 के ऊपर एक आर्क खींचिए, यहाँ पे भी 4.5 के ऊपर एक आर्क खींचिए. अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं जस्ट जॉइन देम.
तो ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा हमारा सी, तो ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसे हम जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल। सो इस तरीके से हम इजीली रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, विच वॉज द मेन पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड, कि जो 90 डिग्री है वो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर है, सो स्क्वायर ड्रॉ करना है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, और साइड कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, आप इसकी भी एक रफ फिगर बना सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसीलिए आई एम नॉट ड्रॉइंग इट, सो बट यू विल हैव टू कुछ भी नीचे ले लीजिए डब्ल्यू एक्स एज बेस और इसको नाम दे दीजिए 5.2 सेंटीमीटर। x के ऊपर अगेन 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री उसकी साइड्स होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो डब्ल्यू एक्स 90 डिग्री पे एक्सटेंड किया, x से 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ लेके x को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ कीजिए, और w को सेंटर मान के एक राउंडर में 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेके अगेन एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अब ये जो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन कीजिए, ये है डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड, और चारों साइड्स हो जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस हाउ यू कैन ड्रॉ अ स्क्वायर। सो ड्रॉइंग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर रियली इजी। ओके, सो बेसिकली देयर इज नथिंग डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, इजंट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ अ रोम्बस के एल एम एन सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल के इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ठीक है, क्या कहा है मुझको, क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन ड्रॉ करना है। के एल एम एन क्या है, एक रोम्बस है एंड इट्स 4 सेंटीमीटर, इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। अब एक साइड पता है मतलब कि चारों साइड्स पता है, क्यों, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स होती है इक्वल, एंड एंगल के इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल के इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेस पे ड्रॉ कीजिए 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ किया, इसको नाम दे दीजिए के एंड एल, एंगल के मुझे पता है कितना है 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री, अगेन यहां से 4.5 सेंटीमीटर पे एक लेंथ ड्रॉ, आर्क ड्रॉ कीजिए, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर पे, ये के एल। अब यहां पर मैंने अभी तक नाम नहीं दिया है, ये बेसिकली होगा एन, क्योंकि के एल एम और एन इस तरीके से आता है, तो इसको ये हमको एन पॉइंट भी मिल चुका है, एक पॉइंट नहीं मिला, कौन सा है, पॉइंट एम। ओके, अब लेकिन मुझे एक चीज पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। ओके, तो मैं इससे पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, पैरेलल मतलब कि दिस विल आल्सो हैव टू बी 75 डिग्री, यहां से 75 डिग्री पे खींचेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, यहां पे भी 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचे एंड देन जॉइन इट, तो ये जो पॉइंट मिलेगा दिस विल बी योर पॉइंट एन। ओके, सो इस तरीके से यू कैन कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ऑल्सो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। ओके, क्या कहा गया है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मुझको पता है। ओके, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, यही गिवन है। यस, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि आई नीड टू फाइंड आउट द अदर साइड, दूसरी साइड कितनी होने वाली है। ठीक है, मैं मान रहा हूं लेट ए बी सी डी बी डी रेक्टेंगल। ओके, ए बी सी डी मैंने मान लिया है मेरे पास रेक्टेंगल। ओके, लेट, ओके, अब डायगनल्स तो दोनों सेम होने वाली है। ओके, सो ये होगी मेरी डायगनल्स, इजंट इट, सो मैं डीबी को डायगनल मान लेता हूं, लेट डीबी इज इक्वल टू, ठीक है, डीबी इज द डायगनल, तो फिर डीबी की लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ डीबी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, डीबी
is the diagonal. ओके okay, और किसी एक साइड को मैं 24 मान सकता हूं. मैं ए बी को मान रहा हूं 24 सेंटीमीटर है. लेट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके अब अगर मैं ट्रायंगल डी ए बी की बात करूं, इन ट्रायंगल डी ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए कितना होगा? 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि All angles of a rectangle are 90 degrees. All angles of a rectangle are 90 degrees. ठीक है, तो इन राइट एंगल ए बी मैं लिख सकता हूं यहां से डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर. क्यों? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके डी बी कहां पर है, मतलब कि डी बी की वैल्यू मुझको पता है कितनी है 26. सो 26 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ए, मुझको नहीं पता, डी ए का स्क्वायर प्लस ए बी मुझको पता है 24 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 676 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी ए का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज 576. ओके सो डी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 676 माइनस 576 दैट इज इक्वल टू 100. सो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो ऑल वी हैड टू डू इज टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स इट. इसमें तो कंस्ट्रक्शन था भी नहीं. ओके सो इट्स रियली इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके हमें सिर्फ एक पॉइंट, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, वो अपने माइंड में रखनी पड़ती है. इफ अ क्वेश्चन कम्स इन विच दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू और द लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर साइड.